छोड़ा। तो मैंने ने मटर के पौधे को क्यों छोड़ा? अब डायरेक्टली क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है, तो पैरल मैं कितना जानता हूँ, क्या करना है वो सामने क्वेश्चन के माध्यम से बताता हूँ। सुनिए, सबसे पहले मटर का पौधा एक द्विलिंगी था, कैसा था भैया? बोलने में भी आपके पैसे यहाँ पे सोने आते जैसे लड़की क्लास में आ रही है, जैसे बच्चे आलसीपन में आ गए। अरे बालकों, मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं आपको एक वीडियो डालूंगा जिसमें अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा। अभी फोन मैंने बनाई है, उसको अकेले में बनाऊंगा, थोड़ा समझो, परिचय पढ़ाई करो उससे। 15-20 दिन आपके लिए बहुत ताकत के लिए बिल्कुल मक्तारी को त्याग दो, शरीर को समर्पण कर दो, मीरा बन जाओ, मीरा। मीरा हो गई लगन, जैसे भैया मीरा हो गई लगन की भक्ति में तुम मगन बोलते हैं। तो भाई ऐसे गाने गाता हूँ, अनूप जलोटा नहीं हूँ, अनूप जलोटा मुंबई का सिंगर है। तो सर पहले बोला है लगन मेरा हो गया। तो जैसा भी हो, आप लोग तुम्हारे जैसे भी तुम पढ़ नहीं रहे हो, सुनो जरा, तो बालकों इधर पढ़। तो मेंटल सुने, मटर का पौधा द्विलिंगी होता है, कैसा होता है भैया? अभी भी नहीं बोल रहे, मटर का मतलब क्या होता है? द्विलिंगी का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं बाईसेक्सुअल फ्लावर। बाईसेक्सुअल फ्लावर का मतलब दोनों लिंग कोशिकाएं फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल, इस प्रकार के पुष्प को द्विलिंगी पुष्प कहते हैं, द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। अगला है, मटर के पौधे का जीवन काल छोटा होता है, कैसा होता है भैया? छोटा, 3 से 4 महीने, या कुछ जगह 2 से 3 महीने लिखा है कि 3-4 महीने, याद कर लेना। अब ये मटर के पौधे में पर परागण कराया जाता है, स्व परागण पहले से होता है। देखो क्रॉस पोलिनेशन तो कराते हैं, अगर आपके मेल फीमेल मिल रहे हैं तो क्रॉस पोलिनेशन ही तो है, ये आपका पर परागण ही तो है। और जो खुद की संतान हमें कराते हैं तो वो स्व परागण होता है। तो स्व परागण तो मटर के पौधे में होता है, उपस्थित है, वो नेचुरल रूप से ही है, प्राकृतिक रूप से पहले से होता है, लेकिन पर परागण कराया जाता है, उसे कृत्रिम रूप से कराते हैं, आर्टिफिशियल रूप से करवा लेते बात को। और मटर के पौधे में मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, 3 प्रयोग दिए थे, प्रभावता का नियम, प्रत्यारोपण का नियम, स्वतंत्र भिन्न का नियम, अजी अनुवांशिकी के नियम है, प्रभावता का नियम, प्रत्यारोपण का नियम, स्वतंत्र भिन्न का नियम। आपने मैंने पढ़ाया था कि मेंडल ने मटर के पौधे पर 7 साल एक्सपेरिमेंट किया। मेंडल ने मटर के पौधे पर 7 जोड़ी लक्षणों का प्रयोग किया, लेकिन जो 7 जोड़ी लक्षण तो बोले विपरीत थे, कंट्रास्टिंग थे, एक दूसरे के उल्टे थे। लंबा है तो भैया भौना, लाल है तो सफेद, क्या है, एक जोड़ी लक्षण एक दूसरे के अपोजिट थे, कंट्रास्टिंग थे। फिर मैंने बोला मटर के पौधे पर जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, मेंडल ने लक्षणों का एक्सपेरिमेंट किया था, कितने गुणसूत्रों पर किए थे? 4 गुणसूत्रों पर। कितने गुणसूत्र में किया भैया? 4 गुणसूत्रों पर उनकी जीन उपस्थित थी, 7 जोड़ी लक्षणों के जीन थी ना, 7 जोड़ी लक्षणों की जीन थी, वो 4 गुणसूत्रों की उपस्थित थी। वो गुणसूत्र होती है, मतलब 4 गुणसूत्र थे उनके ऊपर, 7 जोड़ी लक्षणों की जीन थी वो उपस्थित थी। ये गहराई वाली बात है, उन्होंने बोल दिया कुछ वैसे ही। और मेंडल ने मटर के पौधे पर संख्या की और मात्रात्मक प्रयोग किया था, मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंट किया था, ये भी आपको मैंने बताया था। और मैथमेटिकली प्रयोग किया था उन्होंने, और भैया मेंडल ने, और मेंडल को पता है एक्सपेरिमेंट में ध्यान क्यों नहीं दिया था? तो डायरेक्ट पे सभी लोग ध्यान था उस समय, बायोलॉजी पे थोड़ा सबका, सबको बायोलॉजी का ज़्यादा ज्ञान था, मैथ का इतना ज्ञान नहीं था उस समय, थोड़ा क्या बायोलॉजी की इलेक्ट्रोमाइक्रोस्कोप वगैरह जो चीज़ें कोशिका के बारे में भी जानकारी इतनी नहीं थी, तो वह थोड़ा तरीके थे एक्सपेरिमेंट को सही समझा नहीं पाए है, और सभी का ध्यान उस पर था। एक तो पहले वो सब तो मैथ का टीचर है, इतने बड़े विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ा, प्रोफेसर भी नहीं है, गरीब फैमिली से बिलोंग करता है,
ऐसे लोग समझते हैं, एक माइंड सेटअप कर लेते हैं। कितनी हमसे भी कुछ कहते हैं, बड़ा टीचर भी आप तो बड़े टीचर, बड़े टीचर क्या है यार, भी समझ में नहीं आया होता क्या बड़ा टीचर है, ज्ञान को बड़ा कह रहे हो कि हमको बड़ा कह रहे हो, कि मेरी पब्लिक सिटी को बड़ा कह रहे हो, कि किसको बड़ा कह रहे हो, कोई बड़ा छोटा नहीं होता मेरे भाइयों बहनों, जो तो आपका एक व्यवहार, आपका चरित्र, आपके लक्षण, आपके गुण पर निर्धारण करता है। और आप बच्चों किस प्रकार से सरल तरीके से समझा रहे हो, बच्चे को जल्दी से जल्दी समझ में आए सरल तरीके से, वही एक अच्छा टीचर है, आपको वही समझा पा रहा है। कोई बड़ा छोटा नहीं होता, कुछ कहते हैं वो मतलब बड़ा टीचर है, वहाँ का अरे क्या बड़ा है यार, पढ़ा तो वो भी रहे, पढ़ा तो हम भी रहे, पर वो आपको अच्छी तरह से सिंपलीफाई करके समझा रहे हैं। कोई बड़ा छोटा नहीं होता, आप अपनी सोच को बदलिए, बस अपने ऊपर ध्यान दीजिए, किसी की बुराई करने से आप आगे सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, बस ओनली अब समय अपनी पढ़ाई स्वयं कीजिए। टीचर तो एक गार्डियन से जो आपको एक सहायता करता है, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। हमारा क्या कारण है, मैंने आपको पढ़ा दिया, लेक्चर दे दिया, समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, क्योंकि रिविजन क्लास में ऐसे तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, जल्दबाजी तो की नहीं है, समझाना है तो गया, अगर हम धीमे धीमे करेंगे तो कितने रिविजन होगा, फिर मैं आपको प्रावधान नियम कराऊंगा, प्रतिगढ़ता कराऊंगा, स्वतंत्र व्यूह का कराऊंगा, ऐसे कराऊंगा, एक संकेत क्रॉस, द्वि संकेत क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, ब्लेस्ट क्रॉस, सहप्रभावता, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है, घातक है, घातक जीन्स है, प्रबलता है, ठीक है, रक्त समूह भी पढ़ाएंगे, सहप्रभावता, अपूर्ण प्रभावता, यही पेपर में आते हैं, हीमोपीरिया है, सिकल सेल एनीमिया है, है आपको टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, केलफिल्टर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, ये पढ़ाएंगे, पेडिग्री पढ़ाएंगे आपको, म्यूटेशन पढ़ाएंगे, उत्परिवर्तन पढ़ाएंगे, तो ये इस चैप्टर में इंपोर्टेंट है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, वर्णांतता पढ़ाएंगे और जो चीज रहेगी उसको बाद में नोट्स के हिसाब से देख लेंगे। तो समझो तुम मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए, क्यों किए ना किए, क्यों सक्सेस थे, क्यों नहीं हो पाए, वो आपको समझ में आ गया। अब हमें अब छोटे मोटे विश्वविद्यालयों में पढ़ा रहे, कर रहे, वो कर रहे, कोचिंग में, तो कोई इतना बड़ा उसका व्यक्ति नहीं होता, ऐसा चीज आपकी सोच ने आपको बना दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। अब बच्चों को सही तरीके से समझाओ, समझ में आना चाहिए, तब तो देखते हैं आगे चलते हैं। कह दिया हाँ, तो क्वेश्चन अपन ने पहले लिखवाया है, क्या लिखवाया था जरा बोलो जरा, मेंडल द्वारा प्रयोगों के लिए मटर के पौधे चुनने से क्या लाभ मिले, मतलब मेंडल ने जो मटर का पौधा चुना उसे चुनने से क्या लाभ मिले उसी को। तो भैया अपन जल्दी से रिवीजन करेंगे, क्या रिवीजन है, क्या गिरा किया जो मैंने आपको समझा दिया है, कुछ लोगों को नोट्स में लिखा है, कुछ लोगों को मैं डायरेक्ट से पढ़ा रहा हूँ, तो सुनेंगे जरा। चलिए, मटर का जीवन चक्र छोटा होता है जिससे प्रयोग करने में कम समय लगता है, बोलने में तो आपके पैसे लग जाएंगे, मैं तभी तो पता रिवीजन कराने का, जो रिवीजन क्लास चले ना एक आध को सूट साफ दूंगा, फिर मैं क्लास से बाहर निकल जाओ, मुझे नहीं पढ़ाना एक भी बच्चे को, यहाँ पे जो कोई डेथ नहीं होगी किसी की, मटर की पौधे बोला करो थोड़ा सा जवान को ऐसे शांत कर लेते जैसे किसी ने, अब यहाँ को प्यार मोहब्बत करोगे तो चबड़ चबड़ मोबाइल पे तो हार कर लोगे, लाइव चल रहा है, चलने दो, तुम शांत बैठ जाओ, पहले आप चल रहा है तो पढ़ोगे नहीं, बोल तो रहे हैं मटर के पौधे का जीवन चक्र बहुत छोटा होता है, इसलिए एक वर्ष मैंने एक महीने प्राप्त किया। चलिए, जैसे कि मटर का जीवन चक्र छोटा होता है जिसे प्रयोग करने में कम समय लगता है, इसमें पर परागण द्वारा सफलता पूर्वक संकरण किया जा सकता है, मटर में काफी स्पष्ट विपर्यासी या विपरीत लक्षण होते हैं, पढ़ा था भी सामान्य मटर में स्व परागण एवं निषेचन होता है जिसके कारण पौधे समयोपजी होते हैं, और इसके पुष्प के जो क्या और पीढ़ी दर पीढ़ी इसके पौधे शुद्ध लक्षण बने, मटर के पौधे शुद्ध होती है पीढ़ी दर पीढ़ी, इसका पौधा द्विलिंगी होता है, स्व परागण द्वारा गुणों की शुद्धता को बनाए रखता है, लेकिन यदि इसके पुष्प के उपमंगों को हटा दिया जाता है तो वह एक लिंगी के समान व्यवहार करने, किसी पुष्प में
मेल पार्ट को हटा देते हैं, पढ़ाएंगे विधि भी है, विपुलसन विपुलसन कहलाती है, तो एक लिंगी बन जाएगा उसने एक सेक्स को हटा दिया तो ठीक है। और क्या यह संकरण से प्राप्त संकर पौधे पूर्णतः जनन क्षम होते हैं। मान लो संकर जानते हो कि माता पिता आपके संकर कर रहे हैं, संकर मतलब होता है शुद्ध क्रॉस कर रहे हैं, संतान पैदा हुई संतान संतान है तो क्या वो भी संतान पैदा नहीं कर सकती, करेगी ना बिल्कुल ठीक है। जो अपना क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन क्या अपना क्या कुछ और प्रभावी अथवा अप्रभावी लक्षण सुनेंगे जरा। प्रभाविता और अप्रभाविता, जिसको पता है अपन प्रभावी बोल सकते हैं अप्रभावी बोल सकते हैं, अप्रभाविता भी बोल सकते हैं और अप्रभाविता भी बोल सकते हैं। इधर देखो शॉर्ट में समझा रहा हूँ, अपन पहले चुप जो कैपिटल अच्छे हैं कैपिटल डी कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल ए कैपिटल डब्ल्यू ये सब क्या होते हैं भैया क्या होते हैं भैया प्रभावी। और एक क्या लिखवाया अपन ने क्या कहलाएंगे भैया अपने क्या कहलाएंगे इंग्लिश बोलते हैं रिसेसिव डोमिनेंट, ये अपना डोमिनेंट है ठीक है रिसेसिव। एक और बात समझे जी क्या जी अपने एलील होते क्या ये अपने एलील जीने से मान लो ये आपके गुणसूत्र ने गुणसूत्र पे क्या भैया अपने जीव क्या भैया ये जीव रहे तो इसी पे क्या पाए जाते अपने एली क्या मिलते हैं भैया अपने ये एली मिलेंगे समझ बात को तो ये इसको ऐसे ये जीव मिलेंगे तो देखो ये तो गुणसूत्र है जे जीन है जे क्या है एली समझो जे गुणसूत्र है जीन है और जे एली ये बात समझो जे लिखा कैपिटल टी क्या लगा दिया अपना कैपिटल टी कितने कैपिटल टी जोड़े एक जोड़ा लगा कितने लगा दिए एक जोड़ा लगा दिए नहीं एक लिखा है पर एली हमने ये कौन लिख दिया इसे क्या बोलेगा एक जोड़ा बोलोगे मतलब एक जोड़ा एली बोलोगे क्या बोलोगे एक जोड़ा एली मतलब जो कौन सा ये जोड़ा एली है कैपिटल टी कैपिटल टी इसका उल्टा डिफरेंशियल कंटेस्टिंग क्या स्मॉल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी जब एक जोड़ा जो बोना जो लंबा सरत को एक बार समझो एक होता है विकल्पी क्या होता है भैया विकल्पी और एक होता है अविकल्पी अविकल्पी क्या होता है अविकल्पी दो सब चलते हैं विकल्पी और यहाँ पे समझो विकल्पी और अविकल्पी विकल्पी उसको ये कौन बोल सकते जो बोल सकते विकल्पी क्या बोलेंगे इसे अविकल्पी बोलेंगे वैसे युग्म पर इसको युग्म विकल्पी बोलेंगे अविकल्पी बोल जाए खेल अगर दे कैसे युग्म कब जैसे मान लो विकल्प का मतलब होता है इसके बाद विकल्प दूसरा विकल्प जैसे मान लो मैं आपको नहीं पढ़ा हुआ तो क्या बायोलॉजी के टीचर नहीं मिलेंगे क्या आपको है विकल्प नहीं है क्या आपके पास कोई बच्चे कुछ ऐसे इंसान होते हैं शुद्ध भोजन नहीं मिला तो मांसाहारी खा लेते मांसाहारी नहीं मिला शुद्ध विकल्प उसके पास जो अविकल्प है जैसे मान लो कुछ ऐसे शाकाहारी खाएगा मतलब मर जाएगा अविकल्प कुछ बच्चे ऐसे होते हैं नहीं पढ़ रहा तो नहीं पढ़ रहा किसी टीचर पे तो अविकल्प ही है वो तो जैसे मैंने बोला कैपिटल टी के पास कोई विकल्प है क्या जी स्मॉल टी आर बन जाएगा क्या नहीं डब्ल्यू बन जाएगा स्मॉल टी स्मॉल टी और इसके अलावा कुछ नहीं बन सकता। तो देखो अभी जे मेरे पास इसका वो देखो विकल्प तो तुम लोग स्मॉल टी लिख दिया अभी तुझे क्या है तुझे विकल्प ही कराएगा ठीक है क्या अब मैंने लिख दिया कैपिटल टी क्या लिख दिया मेरे फिर भी क्या लिख दिया सर स्मॉल टी अब क्या कहला रहा जी युग्म विकल्प क्या कहला रहा है पूरा युग्म विकल्प पूरा झूठ ही विकल्प हो गया उसका नाम पड़ गया युग्म विकल्प आपको समझ लो अब मैंने बोला प्रभावी या प्रभावी डोमिनेंट रिसेसिव जो मेरा प्रभाव दिखाए मुझे क्या बोलते हैं प्रभावी जो मेरा प्रभाव नहीं दिखाए वो अप्रभावी ऐसे मान लो कैपिटल टी जे ही प्रभावी क्यों जे भी कैपिटल जे भी कैपिटल है जब प्रभावी लक्षण कौन सा भी है ये प्रभावी मैंने नहीं दिया कैपिटल डी स्मॉल टी इसमें कौन प्रभावी होगा मैंने बोला प्रभावी कैपिटल अच्छा पूछ को देखते हैं इसमें प्रभावी है ए जे भी प्रभावी है क्या भैया प्रभावी है लगा बैठ गया जे एक जोड़ी लक्षण है एक जोड़ा लक्षण बोल दो ये एक जोड़ी एनी बोल दो एक जोड़ी जीन बोल दो इसमें दोनों प्रभावी है तो प्रभावी
ये एक जोड़ी है, एक प्रभाव, एक आप्रभाव, इसमें प्रभाव ही है, ये आप्रभाव ही है, लेकिन प्रभाव अपना यही दिखाएगा, ठीक है। अगर मैं स्मॉल डी स्मॉल डी लिख दूंगा तो क्या लिखूंगा, ये आप्रभाव ही है। एक जीव सीखो, अगर समान चीज लिखी है तो फिर क्या रहेगा, होमो जाएगा, क्या कहना भैया, होमो जाएगा, समय होमो जी, क्या कहेगा, समय होमो जी, समय होमो जी, प्रभावी आप प्रभावी से कोई लेते नहीं हो, तुम तो ज्यादा करो समान चीज लिखी है जोड़े में, कैपिटल टी कैपिटल टी तो हो जाएगा, एंड स्मॉल टी लिखी तो बिगर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, सोएगा हो जाएगा, क्या बोला मैंने तेरे से, प्रभावी आप प्रभावी पर जो डिपेंड नहीं करता है, कोई मतलब नहीं उसे, हो जाएगा, देखिए भैया हो जाएगा, एक जोड़ी चीज लिखिए, एक जोड़ी एलील लिखिए, ठीक है, दोनों एलील को चेक करो जुड़ा कैसा है, कैपिटल डी हो जाएगा, बस समय को बची, स्मॉल डी क्या लिखा भैया, समय को बची हो जाएगी, अगर मैं लिख दूं ठीक है, ये कैपिटल है स्मॉल है, मैं लिख दिया मान लो स्मॉल टी कैपिटल है, हो जाएगा, तो यार क्या हो गया, अब मैं लिखती कैपिटल डी कैपिटल जी, क्या प्रभावी, क्या है प्रभावी, तुम्हें कैसे पता, बता जा सभी कैसे पता तुमको, ये प्रभावी जी के दोनों जोड़े में, दोनों जोड़े के अंदर दोनों एलील प्रभावी है, जी बात, और क्या था भैया, वो हो जाएगा, क्या था भैया, वो हो जाएगा, सभी हो जी, कुछ पल्ले पड़ना इन आया, और मैं लिख दिया स्मॉल टी तो जी, क्या भैया आप प्रभावी, क्या है भैया, मैंने लिख दिया कैपिटल डी स्मॉल टी तो क्या कहलाएगा, प्रभावी, क्या कहलाएगा भैया, अब ये चीज सिखा रहा हूँ आपको, करने वाली सिखा रहा हूँ, दिमाग लगा तुम्हारा दिमाग को समझ के बनना, जैसा कि आपने सामने लिखा है, कैटो जाएगा उसको दी में क्या बोलते हैं, बिस्सर में मजे, इधर देखो किसी ने खेल जाओ पूरा, अब मैंने बोला कैपिटल टी इसे आप बोलते हैं होमो जाएगस, क्या बोलते हैं भैया, होमो जाएगस, होमो जाएगस, इसमें दोनों इस जोड़े के अंदर, आप सुनो जो होमो जाएगस तो है, इस जोड़े के अंदर दोनों की दोनों कैसे प्रभावी, कैसे भैया प्रभावी, जहाँ पे लिख रहा हूँ दोनों प्रभावी, मतलब एक जोड़ा है वही, कैसे भैया जोड़ा, जोड़े के अंदर कैसे भैया, मतलब आप समझ गए, होमोजाइगस के अंदर, अगर होमोजाइगस के अंदर दोनों जीन कैसे हो भैया समान, तो प्रभावित हुए ये दोनों प्रभावित, अगर मान लो ऐसे स्मॉल टी ये भी होमोजाइगस है, तो समझ गए होमोजाइगस में दोनों चीजें होती है, प्रभावी भी हो सकता है और पूरा जोड़ा अप्रभावी, सब पूरा जोड़ा प्रभावी है, तो होमो जाएगस में एक जोड़ा अप्रभावी भी हो सकता है, एक जोड़ा प्रभावी भी हो सकता है, लेकिन अगर कैपिटल डी स्मॉल टी है तो जी तो हेटर जाएगा, क्या भैया तो एक इसमें प्रभावी हो, एक कैसा भैया, इसका मतलब एक जोड़े के अंदर ही हो, एक जोड़े के अंदर ये पूरा खेल, एक जोड़े के अंदर ये पूरा खेल, इसलिए हेटेरोजाइगस में जो एक जोड़े जी एलील आएंगे उसके अंदर अंत दोनों के अंदर ही प्रभावी और अप्रभावी, इसलिए हेटेरोजाइगस के एक जोड़े एलील में प्रभावी और अप्रभावी लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन होमोजाइगस में पूरा की पूरा जोड़ा या तो अप्रभावी होगा या तो लक्षण प्रारूप बोलती है फिनोटाइप को, और जीनोटाइप को जीन प्रारूप बोलती है, फिनोटाइप किसी भी जीव के बाहरी लक्षणों का अध्ययन करना, बाहरी लक्षण क्या होते हैं भैया, रूप रंग रेखा संरचना स्ट्रक्चर साइज आकार, यही तो होता है, तुमने ये बताओ, हमने बोला बाहरी लक्षणों का अध्ययन करो, कलर देखो, हाइट क्यों, हाइट तो टाइप क्योंकि छोटी है बड़ी, ठीक है, या तुम कोई अपना स्ट्रक्चर देखोगे,
सम्राट को संरचना देखोगे, रूप रंग रेखा देखोगे, एक बारी संरचना है तो बारी संरचना एक्सटर्नल कैरेक्टर का स्टडी करना किसी और में, जबकि क्या कहलाएगा भैया फिनोटाइप। अब आ जाओ जीनोटाइप, नाम में जीनोटाइप लिखा है, इंटरनल कैरेक्टर को स्टडी करना क्या कहलाता है जीनोटाइप, मतलब आनुवंशिक लक्षणों तक ये जीन संरचनाओं का अध्ययन करना ही जीनोटाइप। को आपको समझाओ, उसको भी इनको भी समझाऊंगा, अंदर में जाएंगे तो समझिए। अब हमने क्या आपको आनुवंशिक कला बता दी है, डीएनए बता दिया, ठीक है, डीएनए का पूरा नाम बताया मैंने, डीएनए, ठीक है, डीएनए का पूरा नाम बताया, सी फाइव एस्टेन और डीएनए में चार एडेनिन है, थाइमिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, ये होती है, ठीक है, और फिर मैंने क्या बोला, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है, केंद्रक में मिलता है सर्वाधिक मात्रा में ज्यादा, वैसे तो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, केंद्रक कोष में मिलता है, डीएनए के टुकड़ों को जीन बोलते हैं, जीन गुणसूत्र को रेखीय क्रम में पाए जाते हैं, और जहां गुणसूत्र पर जीन होती है उसे लॉकस बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया लॉकस, तो जिन लक्षणों का अध्ययन करते हैं ट्रेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, जिन लक्षणों का अध्ययन कर रहे हैं, मैंने बोला पौधे की लंबाई, जो पौधे की लंबाई जो लक्षण है, ये जोड़ी लक्षण है कौन, लंबा और तो पौधे की लंबाई जो लक्षण है, ये जोड़ी बोले कौन, लंबा और जो तुम कैसे पहचानते हो, मैंने बोला पौधे की लंबाई, क्या लिखा पढ़ लो भैया, मतलब हाइट ऑफ प्लांट, हाइट ऑफ प्लांट पौधे की लंबाई, अब अपनी कौन है कैपिटलिटी, ठीक है, लेकिन एक जोड़ी लिखा है नहीं लिखा, क्या लिखा है, एक जोड़ी क्या है लंबा, क्या भी है लंबा, ये जोड़ी लिखा है, इसका उल्टा लक्षण होता है वो तो क्या है, स्मॉल टी का इसे बोलते हैं बोना, और ड्राफ जब टाल और ड्राफ, जे एक जोड़ी लक्षण है तो आयत तो ड्राफ क्यों सकती है, बड़ी है छोटी इस जितना लक्षण है, लक्षण तो एक जोड़ा है लंबा, स्मॉल टी एक जोड़ी लिखा है जो उसका कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है। तो हमने फिनोटाइप जीनोटाइप, हमने आपको प्रभावी अप्रभावी, हमने आपको जीन, मैंने बोला भी ये डीएनए की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कौन है भैया, जीन, क्रियात्मक इकाई जीन ही, ठीक है, फिर आपको मैंने गुणसूत्र भी पढ़ाऊंगा भी, तो जीन तो थोड़ा घर से आनुवंशिकी के बारे में अध्ययन करके आना, और आगे की कहानी कल अपन पढ़ेंगे, प्रभावता जितना अब जल्दी जल्दी हो जाए।